दोस्तों हमारा डे टू पे हम फिर से नहाने जा रहे हैं भरत की पौड़ी पर। और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा हरिद्वार में, लगता ही नहीं कि सुबह के 8 बजे हैं, इतनी ज़्यादा आवाजाही, लोग यहाँ बहुत जल्दी उठ जाते हैं। देखिए जगह जगह दुकानों पे लोग नाश्ता करने के लिए पहुँच चुके हैं, नहा धोकर स्नान करके गंगा डुबकी मार चुके हैं। ये जगह जगह दुकान में लोग कैन रखे हैं। दोस्तों हम साथ पैदल चलते हुए नहाने के रूट पे जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब आपको यहाँ रिक्शा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई प्राचीन काली मंदिर है, पुराने मकान, आ गई हर की पौड़ी। दोस्तों हर की पौड़ी में जा रहे हैं हम, दोस्तों अभी हम अपने कमरे के बाहर खड़े हैं और ऋषिकेश जाने के लिए वेट कर रहे हैं। हम लेट हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कोई वो ऑटो वोटो हमें मिल जाए ताकि हम लोग ऋषिकेश पहुंच सकें, और आगे चल के देखेंगे क्या प्लान होता है कि हम ऋषिकेश से आगे जा पाते हैं या ऋषिकेश से ही हमें वापस आना पड़ेगा। दोस्तों हमें आगे रूट पे जाम था तो इसलिए हमारे ऑटो वाले ने कहीं रास्ते में बीच में से ही अंदर कॉलोनी के अंदर से टर्न लिया है ताकि हम लोग बिना जाम में फंसे हुए आगे रास्ते में निकल जाए। बाकी आप ये देखिए कितना सुंदर खुले खुले मकान हैं, खुले घरों में, खेत भी पास में ही है, सब कुछ पास में ही है, कितना अच्छा नज़ारा है। मतलब
देखो। ये है राम झूला। आप कुछ बोलोगे दोस्तों? हम खड़े हैं राम झूला पर। चलो बेटा चलो साइड हो। नीलकंठ यात्रा पर ये टैक्सी वाला हमें लेके जाएगा और छोड़ के आएगा और हम ले रहे से 220 रुपीज़ और ये हमें एक 1.25 घंटा देगा वहाँ पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। ठीक है, अब तो हमें वापस आना होगा। और नीलकंठ जाते वक्त ये रास्ते में गंगा नदी का कितना अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। ये देखिए पहाड़ों के बीच में कितना सुंदर तरीके से नदी बह रही है, कितने सुंदर लग रहा है। Whoa, whoa.
ये बारिश के दौर में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है ना, तो पहाड़ टूट के नीचे आ जाते हैं, तो ये वही है क्या? ये पहाड़ के पत्थर है जो तेज बारिश आती है या शांत है यहाँ पे, नदी का बहुत शांत है, ऐसा लग रहा है कम लग रही है। और नीलकंठ जाते वक्त प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। मतलब बताओ आप क्या है, बताओ क्या है, नदी का रूप देखो, ये रूप भी देखो, ये रूप देखो यहाँ पर आ रहा, और हरिद्वार में रूप देखो कितना फर्क है ना नदी में, यहाँ पे कितनी छोटी शांत, और हरिद्वार में कितनी नदी विशाल तेज बहाव। हाँ लेकिन नदी का बहाव देखो कितना शांत है यहाँ पे। हाँ रिजोर्ट है ये, रिजोर्ट।
और ये देखिए यहाँ से एक मतलब कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं घर सब बने हुए, कितना अच्छा लग रहा है प्रकृति की मतलब गोद में बसा हुआ ये शहर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर के द्वार तक और ये देखिए कितनी ठंडी शांत मनभावन जगह है ये। दोस्तों पहाड़ के ऊपर है। हाँ दोस्तों हम पहाड़ी के बहुत ऊपर है और हम बहुत ऊपर आ गए हैं। बहुत जाम है यहाँ तो बड़े ध्यान से। रूम्स अवेलेबल है। और लोगों की खरीदारी करने के लिए बहुत सारी बाहर दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ की दुकानों के जो सामानों की सामान बहुत ही सस्ते 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये में आप बहुत मालाएँ बच्चों के छोटे छोटे खिलौने सब खरीद सकते हैं। मतलब शॉपिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। और ये देखिए ये नीलकंठ मंदिर आ गया है। प्रसाद बोलेगा प्रसाद बोले वाला प्रसाद बोले। और अब हम वापसी में वापस ऋषिकेश से होते हुए अपने हरिद्वार की तरफ जाने के रास्ते में हैं। ये राम झूला है। हम लोग ऋषिकेश काफ़ी लेट पहुंचे थे इसलिए हम राम झूला ही देख पाए। लक्ष्मी झूला बंद था। और दोस्तों तीसरे दिन हम लोगों ने हरिद्वार से मसूरी की यात्रा करने के लिए जो टूरिस्ट बस होती है उसमें अपनी सीटें बुक करी
और फिर हम लोग मसूरी पहुँचे, कैसे पहुँचे, ये सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिए।